मैडम एक्चुअली नयगांव इस पे एक मंदिर है भैरव जी का, और जो कि अभी नगर परिषद में रोड कटिंग के दौरान हमारे सूचना में आया कि वो कटिंग में जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि नगर परिषद के पास इतनी और स्पेस है कि वो बिना उस मंदिर को क्षतिग्रस्त किए रोड का कार्य किया जा सके। एक आस्था का विषय है किसी प्रकार। रोड चोरी हो रही है ना? जी रोड चोरी हो रही है मैडम, वो सड़क के बीच में आ रहा है, मैं भी गई थी देखने। जी मैडम, लेकिन अपन कोई एक ऐसा समाधान निकाले जिससे धार्मिक चीजें हैं वो भी आहत नहीं हो और हमारा सड़क का काम नहीं हो। सड़क हमारी क्या बेसिकली आप लोगों की है, तो पार्टी की जनता की। तो आप जेन्युइन कोई ऐसा बताओ कि भी ऐसा कर सकते हैं, आप कोई सुझाव दो। मैडम जैसे कि वो मंदिर के पास में ऑलरेडी पीछे की स्पेस एक है वहाँ पर, तो जैसे कि आप मंदिर के पुजारी हैं पंडित जी हैं, मौके पे तो कोई हो रही थी उस दिन बड़े बालों वाले उनके भाई उनका छोटा भाई, आप भी थे क्या उस दिन? मैं गई थी मंदिर में दर्शन भी किए थे। तो मैडम वही चाहे वो मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाए, वो कोई रास्ता निकाला जाए। आप बताओ क्या तरीका है, मैं तो उसको मान लूंगी, कोई उपाय तो बताना पड़ेगा। देखो हमारे पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो आपको पता नहीं है जी, और आप जो बताओगे वैसे कर लेंगे। बताओ ये तरीका है ऐसे करोगे तो टूटेगा नहीं, ये नहीं होगा। देखो काम वो करना चाहिए कि आगे भी कभी तकलीफ ना हो। हम उनको शिफ्ट कर लेंगे, विनयपाल जी हैं नोडल, उनको मैंने बोला है, वो आपसे बात कर लेंगे और तरीके से करेंगे जो भी करेंगे। मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, सभी अवसर करते हैं भाई, सीट पे हम धर्म की बात नहीं करते, घर में तो सभी पूजा करते हैं, और आप जितना सोचते हैं उतना हम भी सोचते हैं। पर मैम आपने बताया था किसी बड़े आदमी को आप जाके खुद पूछ लेना कैसे शिफ्ट करना है, क्या मैंने ये कहा था कि जो कॉन्ट्रेक्टर है उनको मैं बुला लूंगी, आप कोई भी आप खुद पंडित है तो आपने कहा ना आप, हाँ। आप अपने हिसाब से देख लेना। हम तो सुना था खेतला जी हैं क्षेत्रपाल, हाँ। तो वहाँ हमने जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने लगाया क्या, बोला हमने तो नहीं लगाया, हाँ। तो फिर आप पंचायत ही नहीं करना, और नगर परिषद आप प्रशासन को ही करना, वो हटेगा नहीं, पुराना स्थान है वो प्राचीन स्थान है और हटेगा नहीं। देखो अवगमन में अगर कोई बात है तो वो सोचना हमारा भी काम है, और भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरी वजह से किसी को कोई बाधा हो, ये सब हो कारित हो, भगवान तो मन में होते हैं। मैडम ऐसा कुछ व्यवस्था हो सकती है उस मंदिर को साइज को हम करें और रोड की साइज के हिसाब से, क्योंकि जैसे हमने काफी जगहों पे देखा है जैसे बड़ी सिटीज के अंदर उस जहाँ कहीं रोड के ऊपर कॉर्नर के ऊपर आ रहा है मंदिर, रोड के बीच में नहीं आ रहा, सेंटर ऑफ द रोड नहीं आ रहा, कुछ रोड मंदिर का कुछ हिस्सा ही है जो रोड की बाउंड्री के अंदर आएगा या उस नाले के आसपास आएगा, अगर उसको राउंड करके भी अगर रोड निकाली जाए ताकि वो मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं करे, जैसे आप कह रहे हैं वहाँ का पेड़ है या मंदिर की जो साइज एक्स्ट्रा आ गई है उसको मंदिर के पुजारी कह रहे हैं भाई उसको एडजस्ट किया जा सकता है, तो एक बार देख लेंगे। जी मैडम, यहाँ से सेक्रेटरी है और जो हमारे सिविल के इंजीनियर है उनको मैं भेज दूंगी। जी मैडम, आप अपनी ओपिनियन उनको बताना, जो यथासंभव होगा वो कर लेंगे। जी प्लीज मैम, आप भी कॉपरेट करना। नहीं कॉपरेट हम तो हमेशा ही कॉपरेट करते हैं प्रशासन के साथ में, सभी से कॉपरेटिव रहता हूँ। मैडम पाली में नगर परिषद की तरफ से एक मंदिर को तोड़ने के विरोध में शिवसेना के द्वारा आपको एक ज्ञापन दिया गया है, नगर परिषद पाली इसमें अपना क्या स्टैंड रखती है? तोड़ने की कोई मंशा नहीं है नगर परिषद की, सोजत रोड का विस्तार का काम चल रहा है, अभी शुरू होने वाला है, काफी कुछ अर्थवर्क हुआ है और उसमें सड़क सीमा में जैसे रिपोर्ट है कि मंदिर है जो उसकी अवस्थिति है, एक बार उसको एग्जामिन कराएंगे टेक्निकल स्टाफ से और जो भी सही निर्णय होगा वो लेंगे। आपसे अपेक्षा की गई है, इन्होंने शिवसेना वालों ने आपको जो ज्ञापन दिया है, आप क्या आपने मौका मुआयना किया है या बिल्कुल मैंने मौका देखा है, पर एक बार टेक्निकली जो टेक्निकल स्टाफ है वो देखेगा, मेजरमेंट करेगा, उसके बाद निर्णय। थैंक यू मैम। शिवसेना के द्वारा आज नगर परिषद पाली में आयुक्त महोदया को एक ज्ञापन दिया गया, आपका क्या मांग क्या थी और किस लिए आप आए हैं? हम यहाँ नगर परिषद आने का एक ही महत्व है कि जो नयागांव रोड पे महाराज ढाबा के सामने बटक भैरव जी का मंदिर है, जो काफी लंबे समय से हमारे एक हिंदू देवी देवताओं के रूप में और हिंदू
मंदिर है, नगर परिषद द्वारा रोड कटिंग में उस मंदिर को हटाने के बाबत में आज हम सभी हिंदू भाई और शिव सैनिक एकत्रित होकर आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उस मंदिर को बिना हटाए कोई और रास्ता निकाल करके समाधान करावे। आपकी क्या चर्चा हुई और कहां तक सहमति बनी है या क्या योजना बनाई गई है? योजना आयुक्त साहब ने हमारे को बताया कि जब तक मौका मुआवजा देखेंगे और जब तक लगेगा कि ये यहाँ से नहीं हटना चाहिए, जब तक हम पूरा प्रयास करेंगे उस मंदिर को नहीं हटाएंगे। लेकिन किसी कार्यरत अगर ज़्यादा तकलीफ या कोई रोड में तकलीफ आ रही है तो उस स्थान को व्यवस्थित किसी दूसरी जगह व्यवस्थित शिफ्ट करेंगे यार। धन्यवाद।